How would you react on hashtag Lal Singh Chaddha जो आमिर What is that? आमिर खान की मूवी आने वाली है. I don't watch movies. I don't watch movies. I don't know. No comments in अगर नहीं नहीं no comments नहीं. मैं मूवी नहीं देखता ना आपकी ना पराई बात का था मुझे तो पता भी नहीं कौन है भाई. आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा काफी टाइम से सुर्खियों में बनी हुई है. अब ऐसे में बॉलीवुड के काफी पुराने और अनुभवी एक्टर अनु कपूर ने सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म को लेकर एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है. दरअसल उनसे आमिर की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा कि वो कौन है. उन्होंने आमिर खान को पहचानने से मना कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो फिल्में नहीं देखते. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और हम आपके लिए लेकर आए हैं लाल सिंह चड्ढा से जुड़ी एक और खास खबर. दरअसल हाल ही में अनु कपूर अपनी आने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, जहां उनसे आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर सवाल किया गया. अनु कपूर ने अपने जवाब में कहा कि वो कौन है. ये जवाब सुनते ही हर कोई हैरान रह गया. उनके इस रिएक्शन ने सभी को हैरानी में डाल दिया. इससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनु कपूर किसी बात को लेकर आमिर खान से नाराज है. दरअसल एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि सर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने वाली है, तो उस पर अनु कपूर बोलने लगते हैं कि वो क्या है, मैं फिल्में नहीं देखता, मैं नहीं जानता. इस बीच उनके मैनेजर ये भी कहते हैं कि प्लीज नो कमेंट्स. अनु कपूर उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि नो कमेंट्स नहीं, मैं मूवी ही नहीं देखता हूँ, ना अपनी और ना किसी और की. मुझे पता नहीं है कि ये कौन है सच में, तो मैं क्या बता पाऊंगा कि वो कौन है. What is that? आमिर खान की मूवी आने वाली है. I don't watch movies. I don't watch movies. I don't know. No comments in अगर मूवी. नहीं नहीं no comments नहीं. मैं मूवी नहीं देखता ना आपकी ना पराई बात का था मुझे तो पता भी नहीं है कौन है भाई. मुझे सचमुच पता नहीं. तो मैं क्या बता पाऊंगा कि वो कौन है भाई. I have no idea. दोस्तों जैसे ही ये रिएक्शन सामने आया है हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि क्या अनु कपूर और आमिर खान के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है. हर कोई इस बात पर काफी ज्यादा हैरानी वाला रिएक्शन दे रहा है. आपको बता दें कि हाल ही में अनु कपूर की क्रैश कोर्स Amazon Prime पर रिलीज हुई है और वहीं लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है. आमिर की फिल्म पहले से ही काफी ज्यादा मुश्किलों में है. सोशल मीडिया पर आमिर के पुराने बयानों की वजह से फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है. अब देखना ये होगा कि कितने दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर पहुंचते हैं, फिल्म को कैसा रिस्पांस मिलता है, ये देखना काफी ज्यादा जबरदस्त होगा. लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को बॉयकॉट होता देख आमिर खान ने भी इस पर लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी किसी भी पुरानी बातों की वजह से उनकी फिल्म को बॉयकॉट ना किया जाए. फिल्म को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज फिल्म को देखने जाया जाए. दोस्तों आपको बता दें कॉफी विद करण के शो पर बैठकर आमिर खान ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 14 साल लग गए. 8 से 9 साल इस फिल्म के सिर्फ राइट्स लेने में उन्होंने लगाए हैं, जिसके बाद उनकी मेहनत इस वक्त जल्द ही रिलीज होने वाली है. 11 अगस्त को उनकी इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन भी रिलीज हो रही है. अब देखना ये होगा कि फिल्में किस तरह से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं और ऑडियंस को कितनी पसंद आती हैं. फिलहाल अनु कपूर का ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आमिर खान को पहचानने से ही मना कर दिया है. दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही. बॉलीवुड से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहे फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें.